उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दो दिन की चुप्पी के बाद देहरादून में आज फिर से बुलडोजर गरजा है। यहां पर काठ बंगला में रिस्पना नदी के किनारे एमडीडीए ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और भारी पुलिस फोर्स के बीच तीन बुलडोजर की मदद से 11 मार्च 2016 के बाद अतिक्रमण कर बनाए हुए घरों को ढहा दिया गया। अब बुलडोजर से मकान तो ढहा दिए गए हैं, लेकिन बरसात के मौसम में उन लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई हैं जिनके घरों को ढहा दिया गया। कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास अब रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अब इन्होंने हमारे कागज हुआ चेक करे, उसके बाद इसको बोला कि ये तोड़ना पड़ेगा। इस वजह से तो इनके हमारे कागज ओके नहीं थे, थोड़े बहुत तो गरीब आदमी थे, पापा भी पहला ही सटे करे, अब क्या कर सकते थे। जमीन कब ली थी? ये 2016 में ली थी, 16-17 में। उसके बाद मकान बनाया? हाँ जी, हाँ जी सर। अब कहाँ है रहने का ठिकाना? सर रहने का ठिकाना तो अभी नहीं, यही था बस रहने का ठिकाना, अब देखेंगे सर क्या होता है। हमारे आदमी पैरालाइज हो गए ना, तो हम काम कर करके दोनों बच्चे को उनकी दवाई भी करते हैं, किसी तरह उन्हें पालते भी हैं। बस इतना एक ही कमरा था मेरा, एक ही मकान था। यूपी के हैं, यहाँ हम आए थे 14-14 में। तब कागज वगैरह मांगे होंगे? कागज तो मांगे थे, कागज दिखाए थे, मगर कागज 17-18 के थे, कागज नहीं ले गए थे मेरे। अब रहने का कहाँ है? अब कहीं नहीं, यही रहेंगे बच्चों के लेके, और कहाँ जाएंगे। क्या है, हमारे पास नगर निगम के फ्लैट जो बन रहे थे नदी के किनारे वाले लोगों के लिए बन रहे थे, तो आप उनको वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं? आप उनका विस्थापन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको वो फ्लैट पूरे कराइए जिसमें आप 6 करोड़ रूपये खर्च कर चुके और 4.5 करोड़ रूपये और आया हुआ है, आप शिफ्ट कीजिए, इन्हें विस्थापित कीजिए। इस प्रक्रिया से पहले विस्थापन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, इन्हें घर मिलने चाहिए थे। तोड़ना बहुत आसान होता है, आप हर घर में जाइए, हर घर की कोई ना कोई महिला बर्तन माज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, तब जाके उन्होंने 2-2 4-4 ईंट जोड़ के ये मकान बनाया है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर घाट के पास सेल्फी लेने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। फोटो खींचने के दौरान महिला खाई भी गिर गई और महिला की मौत हो गई। चुपकोट में बैंड के पास यह हादसा हुआ। देहरादून की रहने वाली महिला पिथौरागढ़ में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात थी और रोड किनारे चुपकोट बैंड पर फोटो खींचने के दौरान खाई में गिर गई। हरिद्वार में शांतर शाह गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीजेपी नेता समेत 3 लोग अभी भी पुलिस के पकड़ से दूर हैं। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी की इसमें बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 23 जून के आसपास मृतक लड़की की सहेली का भाई अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ उसे बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर ले गया, जहाँ उन्होंने लड़की को बियर पिलाई और नशे में हो जाने के बाद 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। 3 युवक लड़की को रात में छोड़कर चले गए, जिसके बाद लड़की अपने परिचित अमित सैनी के पास गई। यहां अमित सैनी ने भी नाबालिग के साथ रेप किया और बाद में दोनों के बीच झगड़ा हुआ जिसमें लड़की बेसुध हो गई। बाद में अमित ने अपने परिजनों के साथ मिलकर लड़की को गाँव के बाहर हाईवे किनारे छोड़ दिया। फिलहाल बीजेपी नेता फरार है। नितिन जो इस मृतका की जो दोस्त है उसका भाई था, वो अपने 3 साथियों के साथ इस लड़की को पार्टी के बहाने उसके द्वारा बुलाया गया और इसको बियर पिलाई गई। बियर जब इसको अत्यधिक नशा हो गया तो इन अभियुक्तों ने उस लड़की के साथ इनमें से 2 अभियुक्तों के द्वारा रेप किया गया। विधानसभा उपचुनाव के बीच हरिद्वार में गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में बीजेपी नेता का नाम सामने आया है, जिसमें सियासी बवाल हो गया। हरिद्वार में एक्टिव भीम आर्मी ने भयंकर हंगामा किया तो कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के डीएनए में ही गड़बड़ी है, जिसके बाद पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा है। हरिद्वार में इसी हफ्ते नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना में शामिल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सैनी पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य भी था, हालांकि इसके तत्काल बाद बीजेपी ने सैनी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। चर्चित अंकिता भंडारी केस में बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित मुख्य आरोपी है।
तो वहीं पेपर लीक कांड में भी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है। इसको आदित्य को भी जो है पद से हटा दिया, बोल रहे हो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। आपके शासन में हो क्यों रहा, आपके शासन में 6 साल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में आज पहले नंबर पर चले गया। तो ये हालात बीजेपी ने कर दिया, और ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा, पूरे देश। बैकफुट में आई बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि नए लोगों को पार्टी में शामिल करने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी हम आगे करते हैं उनका कम से कम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेकअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो कि मौके का लाभ उठाकर पार्टी में आगे आने का प्रयास करते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि हम पार्टी के विस्तार के साथ साथ पार्टी की स्वच्छता कैसे बनी रहे, कौन सही कार्यकर्ता कैसे आगे आए, उस पर काम कर सकेंगे। हरिद्वार में मंगलौर सीट पर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग नजदीक है, और इस बीच हुए इस जघन्य हत्याकांड ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर की तस्वीरें विकासनगर के यमुना पुल से सामने आई हैं। दरअसल टकराता के ठाणा गांव के कुछ लोग बीते रविवार को देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल से अपने मृतक परिजन का शव इस एम्बुलेंस के जरिए अपने गांव ले जा रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर ने बीच रास्ते में नशा कराते हुए इस पूरे परिवार को ही खतरे में डाल दिया। गनीमत ये रही कि नशे में धुत ड्राइवर के हालात को भांपते हुए किसी तरह उससे एम्बुलेंस को नियंत्रित कर एक जगह पर रुकवा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लोगों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो लंबे वक्त तक होश में ही नहीं आया। रात के 10 बजे करीब में हमने इंद्रेश हॉस्पिटल एक एम्बुलेंस करी थी, और हमने जाना था चकराता। चकराता करीबन देहरादून से लगभग 90 किलोमीटर है। रास्ते में जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने पता नहीं कौन सा नशा करा, कौन सी ड्रिंक करी। सैलाकुई के आसपास हम बार बार बचे एक ट्रक पे टकराने के लिए। उसके बाद सैलाकुई से आगे हम आगे बढ़े तो देखा कि वो जमुना पुल था हमारा एक, वहाँ पर हम बार बार बचे एक डिवाइडर पे उस पर टकराने से। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, और आज सीएम धामी ने उत्तराखंड सदन से वर्चुअली मीटिंग की और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। सीएम ने शिकायतों पर सख्ती से काम करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि जिन अफसरों ने पिछले 1 महीने से सीएम पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है उनसे तुरंत जवाब मांगा जाए, और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि कामों में लापरवाही हुई तो हर विभाग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात भी की। और दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इसमें राज्य में कई मुद्दों पर बातचीत की। उत्तराखंड के लिए 500 मेगावाट बिजली की मांग की, साथ ही उत्तराखंड के लिए केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से दिए जाने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की उपलब्धता है, जिसके फल स्वरूप राज्य में 55% से ज्यादा ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से मिलती है। कोयला आधारित प्लांट से सिर्फ 15% ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बनता जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात से उत्तराखंड में बीजेपी की सियासत में हलचल है। चर्चा है कि इसके बाद राज्य में कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है, और विस्तार की इस खबर ने मंत्रियों से लेकर विधायकों तक की धड़कनें तेज कर दी हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार में कैबिनेट की 4 सीटें खाली हैं, जिनमें से 3 सीट सरकार के शपथ ग्रहण मार्च 2022 से ही खाली हैं, जबकि 4थी सीट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद से खाली है। इस बीच कई बार कैबिनेट विस्तार की खबरें उठी, लेकिन दिसंबर 2023 में सीनियर नेताओं को सरकार में दायित्व आवंटन के बाद कैबिनेट विस्तार की खबरों पर विराम लग गया। कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। ऐसे में बीजेपी नेता मुख्यमंत्री की पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात को कैबिनेट एक्सटेंशन की हरी झंडी के रूप में देख रहे हैं।
भी ठीक है, हमारे यहाँ चार सीटें अभी खाली हैं। और वैसे इसमें जहां तक मेरा मानना है, हाईकमान के निर्देश के बाद और माननीय मुख्यमंत्री की कंसेंट के बाद ही इस पर कुछ हो सकता है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ चारों सीटें भरे। जो लोग एस्पिरेंट हैं, जिनको लगता है कि शायद कहीं विस्तार होगा तो उनका भी नंबर आ जाएगा, जब प्रदेश के लोग जो इसमें रुचि रखते हैं, तो मुख्यमंत्री के मूवमेंट को लेकर, उसका बड़े नेताओं से मिलने को लेकर कयासे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके कारण मुख्यमंत्री उनको मिले हैं, इसका कोई विषय वहां पर आया होगा। मौजूदा मंत्रियों को अपने विभागों में कटौती का डर सता रहा है, तो कुछ को केंद्रीय नेतृत्व के चौंकाने वाले फैसलों का भी डर सता रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो मंत्री बनने वाले कम से कम चार विधायकों की किस्मत का पिटारा खुलना तय माना जा रहा है, लिहाजा विधायकों की धड़कनें तेज हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सोमवार को हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपनी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर नाराजगी जताई थी। हरक सिंह रावत ने कहा था कि मुझे 2022 में कांग्रेस के सब नेता लेकर आए थे, लेकिन हरीश रावत अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं हरक सिंह रावत की बात पर हरीश रावत का कहना है कि मैं वापसी से 5 साल पूरे होने तक उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता, पार्टी भले उन्हें नेता स्वीकार कर ले। हरीश रावत ने यह भी कहा कि अगर हरक सिंह को चुनाव लड़ना ही था तो पौड़ी गढ़वाल चले जाते। जब तक हरक सिंह का प्रायश्चित काल 5 साल, जिस दिन उनको गणेश गोदियाल जी के विशेषतम आग्रह पर मैंने पार्टी के अंदर सम्मिलित करने की हामी भरी, उस दिन मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इनको 5 साल पार्टी को, जिस पार्टी को इन्होंने सत्ता से बाहर किया है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण जो है हमारी सरकार की गिरावट थी और ये दल बदल था, तो मैंने कहा उसका जब तक ये 5 साल प्रायश्चित नहीं करते हैं और कुछ जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम नहीं करते हैं, तब तक जो है मैं इनकी स्वीकारिता को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हरिद्वार में चुनाव लड़ने पर 200% जीत की बात हरक सिंह रावत ने कह दी थी, और वहीं अब हरीश रावत ने हरक सिंह रावत का जवाब दिया और कहा कि ये दावा करण महरा और दूसरे नेता भी कर रखे हैं, लेकिन हरिद्वार की जनता मुझ पर उपकार है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये दम तो जो है उनके प्रेरणा स्रोत करण मेहरा जी भी कह रहे हैं, ये तो कई और लोग भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, मैं इन दावों पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, वहाँ के हरिद्वार के लोगों के दर्द में मैं सम्मिलित हुआ, क्योंकि मैं हरिद्वार का उपकृत व्यक्ति हूँ, उसका उपकार था इसलिए उनके दर्द में सम्मिलित हुआ। और हरिद्वार ने चुनाव में हमको सफलता नहीं दी, उससे मेरे कदम हरिद्वार के लिए कभी रुकेंगे नहीं। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा का उद्घाटन हुए 4 महीने होने को हैं, लेकिन ये हवाई सेवा कब शुरू होगी कोई नहीं जानता है। एयरलाइंस एयर की टीम महीनों पहले ही 42 सीटर प्लेन की सफल लैंडिंग कर चुकी है, फिर प्लेन है कि उड़ने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी। दावा किया गया था कि कुछ ही दिनों में देश की राजधानी के लिए 42 सीटर प्लेन नियमित तौर पर उड़ाया जाएगा। जनता को सब्जबाग दिखाने के लिए अलायंस एयर ने टेस्ट लैंडिंग भी की। नैनी सैनी एयरपोर्ट में हुई सफल टेस्ट लैंडिंग के बाद लगा कि बॉर्डर जिला अब दिल्ली से जुड़ जाएगा, लेकिन तब से अब तक 4 महीने होने को हैं। बावजूद इसके हवाई सेवा का दावा पूरी तरह हवा हवाई ही साबित हुआ है। दिल्ली की हवाई सेवा पर लगे ब्रेक ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है। पिथौरागढ़ की जनता को बार बार छलने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि हम
पिथौरागढ़ नैनी हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू करेंगे। आज लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो घोषणा थी वो घोषणा की घोषणा रह गई है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 2019 में भी प्लेन ने उड़ान भरी थी, लेकिन 9 सीटर प्लेन वाली ये हवाई सेवा साल के भीतर ही दम तोड़ गई। तब से अब तक बॉर्डर इलाके को देश की राजधानी से जोड़ने के एक नहीं बल्कि कई दावे हो चुके हैं, लेकिन ये दावे अभी भी हकीकत से कोसों दूर हैं। कहने को तो पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए भी हफ्ते भर की उड़ान का ऐलान किया गया था, लेकिन महीने गुजर जाने के बाद भी देहरादून और पंतनगर की उड़ान पर लोगों का भरोसा कायम नहीं हो पाया है। हालात ये हैं कि फ्लाईबिक का 19 सीटर प्लेन कब यात्रियों को धोखा देगा कोई नहीं जानता। तो ये हमारी मांग थी, तो इसके लिए हमको एरोप्लेन भी चाहिए और हमको दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत बड़ी मांग है। मैंने पहले भी बोला है और हम सबकी बड़ी इच्छा है कि दिल्ली पिथौरागढ़ कनेक्टिंग हो, उस दिशा में भी हम पारा प्रयास है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमको इसका लाभ मिलेगा। पिथौरागढ़ दिल्ली हवाई सेवा की दरकार जहां देश भर के सैलानियों को है, वहीं लाखों की तादाद में देश दुनिया में फैले कुमाऊं के प्रवासी भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। बावजूद इसके कुमाऊं के पहाड़ी जिले कब सीधे दिल्ली से जुड़ पाएंगे कोई नहीं जानता। ऐसे में एक उम्मीद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा पर जरूर टिकी है, क्योंकि टमटा का ये लोकसभा क्षेत्र भी है और वे केंद्र में उत्तराखंड के इकलौते मंत्री भी हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की में लक्सर के खेड़ी कला गांव के प्रधान को ससुराल पक्ष से झगड़े के दौरान गोली लग गई। ग्राम प्रधान को गोली लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रामनगर में समाजवादी लोकमंच के लोगों ने जंगल की आग बुझाने में लगे वनकर्मियों को फायरप्रूफ कपड़े दिए जाने की मांग की। अल्मोड़ा में स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। संघर्ष समिति ने जनसंपर्क अभियान चलाया है। बागेश्वर के कई गांवों में जंगली सूरों का आतंक। जंगली सूरों के झुंड खेतों में घुसकर किसानों की मेहनत कर रहे बर्बाद। हरिद्वार में बारिश से पहले नालों की साफ सफाई निगम के लिए चुनौती बन गई है। शहर भर में सभी बड़े नालों पर स्थायी अतिक्रमण पसरा हुआ है। रामनगर में कॉर्बेट के बाघों की गणना के लिए लेटेस्ट ट्रैप कैमरे दिए गए हैं। अब कॉर्बेट प्रशासन इन्हें लगाकर इनके रिजल्ट देखेगा। बागेश्वर जिले के आला अधिकारियों की भारी कमी से गुजर रहा है। लंबे वक्त से रजिस्ट्रार का पद भी खाली पड़ा है। उत्तरकाशी में आज तेज बारिश हुई, इससे गंगोत्री हाईवे पर कई जगह जल जमाव की स्थिति बन गई। पिथौरागढ़ में भी आज झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद प्रशासन ने दावा किया कि प्रशासन ने लैंडस्लाइड जोन में जेसीबी और पोकलेट मशीनों को भी तैनात किया गया है। बागेश्वर पुलिस नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रखी है, जिसमें युवा पीढ़ी को नशा ना करने की शपथ दिलाई जा रही है। फोन पर फर्जी टोल फ्री नंबर पर बैलेंस चेक करने के बहाने कोटद्वार निवासी से 9,80,000 की ठगी हो गई थी, जिसकी जांच में पुलिस ने लखनऊ से धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के ठग नदीम को गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्य टोल फ्री नंबर सर्च करने वाले लोगों को फर्जी टोल फ्री नंबर से अपने झांसे में ले लिया करते थे और फिर धोखाधड़ी कर रकम ऐंठते थे। पूछताछ में आरोपी नदीम ने बताया कि वो गूगल में फ्रॉड टोल फ्री नंबर को फ्लैश करवाते हैं और वो व्यक्ति इन नंबरों पर कॉल करते हैं तो उसे अपने जाल में फंसाकर फर्जी लिंक भेजते थे और ओटीपी पूछकर खातों से पैसे उड़ा लेते थे। एक गैंग के द्वारा बिहार से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें गूगल पे टोल फ्री नंबर्स फ्लैश किए जाते हैं और ये नंबर्स पे जैसे ही कोई शिकायत करता है या कोई व्यक्ति कॉल करता है तो आपके अकाउंट्स की डिटेल्स हैक कर ली जाती हैं और जिससे आपके अकाउंट में डिडक्शन हो जाती है। जिन लाशों को पहचानना ही पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, उसका हत्याकांड का खुलासा देहरादून पुलिस ने मात्र 72 घंटे के अंदर ही कर दिया और वो भी मात्र बस एक टिकट से। ये पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। देहरादून में बीते 3 दिनों में पुलिस को 3 शव एक सूखे नाले में पड़े मिले। ये सभी शव इतनी बुरी कंडीशन में थे कि इनको पहचानना भी पुलिस के लिए चुनौती बना था। तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं होने से केस एक चुनौती बन चुका था।
लेकिन जांच के दौरान जब पुलिस को शवों के साथ एक बस का टिकट मिला तो पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने बस के ड्राइवर कंडक्टर से पूछताछ की तो पता चला कि बस 23 जून की शाम देहरादून ISBT पहुंची थी। पुलिस ने जैसे ही CCTV कैमरे खंगाले तो सामने आया कि एक शख्स तीनों को बाइक पर बैठाकर साथ ले गया, जिसके बाद पुलिस ने शख्स की तलाश शुरू की और फिर पूछताछ। तब पता चला कि 36 साल के हसीन ने रेशमा और उसकी दो बेटियों की हत्या की थी। रेशमा बिजनौर की रहने वाली थी, उसके 2 सालों से हसीन से संबंध थे और 8 महीने पहले दोनों के एक बेटी हुई थी, जिसके बाद से रेशमा शादी का दबाव बना रही थी। हसीन के पहले से ही शादीशुदा होने के चलते आरोपी ने पहले तो तीनों को नींद की गोली दी और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। शवों को फर्नीचर फैक्ट्री के पीछे सूखे नाले में कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नहटौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए CCTV फुटेज बस स्टैंड की ली तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब, जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। इस ट्रिपल मर्डर का मुख्य कारण अवैध संबंध था, जिसके चलते 8 महीने की मासूम और 15 साल की एक लड़की के साथ उनकी माँ का दर्दनाक अंत हो गया। आरोपी भले ही जेल की सलाखों के पीछे चला गया हो, लेकिन एक परिवार जरूर उजड़ गया। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस के एक दरोगा पर बड़ा आरोप लगा है। उधम सिंह नगर के पंत नगर थाने के SO का एक ऑडियो किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने सार्वजनिक किया। इस ऑडियो में एक शख्स एक युवती से कुछ अश्लील बातें करता सुनाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ का आरोप है कि ये ऑडियो पंतनगर थाने के SO राजेंद्र सिंह डांगी का है, जिसने एक मुकदमा लिखने के बदले पीड़ित परिवार की लड़की से अश्लील बातें की और किसकी डिमांड की। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको सुनवाते जरूर है। तो आप बता दीजिए कि मतलब कहाँ मिल सकते या फिर ये नगला बाईपास से है? हाँ, वो गाड़ी में बैठ जाएंगे। नगला बाईपास भी है मतलब गाड़ी में बैठ जाएंगे। हेलो। हाँ सर, गाड़ी में बैठ जाएंगे। ठीक है सर। उधर झा कॉलोनी के आसपास भी बैठ सकते हैं गाड़ी में, अंधेरे में कौन देख रहा है। हाँ सर। ठीक है सर। किस भी दोगी एक क्या किस भी दोगी एक हेलो हेलो कैसे सर? मैं कह रहा हूँ किस भी दोगी। हेलो। हाँ सर बोले। अच्छी लग रही थी। मामला एक SO और लड़की से कहता कि कल तुम आई थी थाने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो बहुत सुंदर हो, ऐसे से अश्लील बातें उसने की हैं। DGP ने तत्काल कल मेरे एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन थी मेरे पास, उस परिवार की महिला की, दोनों बहनें हैं वो, एक बहन ने एप्लीकेशन लिखी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने वो DGP को कल सौंपी। DGP को मैंने वो पेन ड्राइव भी सौंप दिया है, उसमें पी रेणुका जो है उसको जांच के आदेश किए गए हैं। उसमें कहा गया कि इसकी जांच की जाए, जांच के बाद इसके खैर FIR लॉन्च की जाए। इसमें तो उसमें मेरी जानकारी में आया कि शायद जांच भी, मैं देहरादून से भी लौट के आया हूं, जांच भी प्रारंभ हो गई है। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।